Hello, dear children of grade 4. This is the English subject, and today you have to do reading in this subject. Dear children, let us learn these words which are written here at the heading. Yes, this is the bubble, the straw, and the shoe. फाइन, तो आप ऐसे वन वन वर्ड रीडिंग करेंगे एंड इफ यू नो द गुड रीडिंग देन यू कैन रीड द सेंटेंसेस आल्सो. अब हम आते हैं आगे. देखो ये लिखा है, लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. ठीक है कि आओ पढ़ें और स्टोरी को एन्जॉय करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिटन हियर. Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoe. ठीक है, आगे लिखा है, one day they went into the forest. They came to a river. They did not know है ये KNOW नो बनता है how to cross it. Okay. The shoe said, bubble, let us float on you. ठीक है, simple. Today this story is about to read. आपको ये reading करना है. अब reading के साथ में understanding तो होती ही है ना. अब यहाँ से हमने क्या understand किया है, देखिए इंग्लिश में एक पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो उसमें आपको जो सामने पिक्चर के साथ में लिखा हुआ दिया होता है उसको पढ़ना तो होता है, वी हैव टू रीड दैट, बट हमें उसके साथ साथ उसको समझना भी होता है कि व्हाट हैज़ बीन रिटन देयर, कि लिखा क्या है. तो बच्चों यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड अ शू, तो बताता है कि देर वर बबल स्ट्रॉ एंड शू. ठीक है, देर वर दीज थ्री फ्रेंड्स एंड वन डे वेयर दे वेंट टू द फॉरेस्ट एंड नाउ दे केम टू अ river, but they did not know that how to cross it over. These three ones did not know that how to cross the river from this side to this side. Fine. Now, at first, whose turn is there? The bubble, the shoe. The shoe said, bubble, लेट अस फ्लोट ऑन यू, कि बबल आओ और हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट कर जाएंगे, तुम तो पानी के अंदर से तैर जाओगे. तो आज आप ये जो बबल को बोला है इन्होंने कि तुम पानी में से तैर जाओ और हम तुम्हारे ऊपर से तैर जाएंगे, तो क्या अब बबल उनकी बात मानने वाला है? तो आप इसका आंसर कहाँ से लेंगे, जो आज मैंने EVS की वीडियो भेजी है बबल्स की, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या बबल उनकी बातें मानेगा स्ट्रॉ और शू की, क्या वो पानी में से तैरेगा? सो यू हैव टू रीड दिस पेज टुडे एंड यू हैव टू गेट द आंसर दैट वेदर द बबल विल क्रॉस द रिवर और नॉट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.